तो अब आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो जो हमने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैंड, एयर और वाटर के बारे में पढ़ा, वही इंडियन ज्योग्राफी के भी बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में दो कंपोनेंट, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड, एयर और वाटर, लैंड में इंडिया की फिजियोग्राफी प्लस इंडिया की सॉयल्स, दो गए। एयर में पढ़ेंगे इंडिया की क्लाइमेट, दैट इज़ मानसून। वाटर में पढ़ेंगे इंडिया की रिवर्स के बारे में, दैट इज़ ड्रेनेज। तो लैंड, एयर, वाटर हो गया। तो इंडियन ज्योग्राफी दो हिस्से, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में लैंड, एयर, वाटर, लैंड में इंडिया की फिजियोग्राफी और इंडिया की मिट्टी, वाटर में इंडिया की नदियाँ, दैट इज़ ड्रेनेज ऑफ इंडिया, एयर में इंडिया की क्लाइमेट, दैट इज़ मानसून। अगला आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वो एरिया है जहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपस में मिलते हैं। एक तरह से ज्योग्राफी का एप्लीकेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिलती है आपस में। तो इकोनॉमी में क्या है बेसिकली? इकोनॉमी का मतलब है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और उन रिसोर्सेज का यूज़ करके आपको मोस्ट एफिशिएंट आउटपुट देना है, सबकी नीड्स फुलफ़िल करनी है। तो रिसोर्सेज कितने टाइप की हैं? दो टाइप के रिसोर्सेज, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको मिलती हैं, मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज और लिविंग रिसोर्सेज। तो लिविंग रिसोर्सेज में आएंगे ह्यूमंस, तो हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे और ये पॉपुलेशन माइग्रेट क्यों करती है, तो पॉपुलेशन और माइग्रेशन। और नॉन लिविंग रिसोर्सेज में आ जाएंगी फिर, तो ये दो रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, लिविंग रिसोर्सेज दैट इज़ पॉपुलेशन, ह्यूमंस, पॉपुलेशन माइग्रेशन, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिसमें कि हम सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी में ये हुआ। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, टर्शरी एक्टिविटी जिनको डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि ज्योग्राफी डज नॉट अफेक्ट टर्शरी एक्टिविटी मच, टर्शरी एक्टिविटी को उतना अफेक्ट नहीं करते। तो समझ में आ गया, ह्यूमन ज्योग्राफी में जहाँ पर ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी यानी लिमिटेड रिसोर्स का मोस्ट एफिशिएंट यूज़, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेज, एक तो लिविंग रिसोर्सेज दैट इज़ ह्यूमंस, तो यानी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का माइग्रेशन पढ़ेंगे। नॉन लिविंग रिसोर्सेज दैट इज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एक्टिविटी में इंडस्ट्रीज, टर्शरी एक्टिविटी को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ज्योग्राफी डजेंट अफेक्ट इट मच। तो अब आ जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी पे सबसे पहले, उसमें लैंड से रिलेटेड। तो लैंड में चैप्टर वन इंडियन फिजियोग्राफी, ये है जियोमॉर्फोलॉजी के जैसा, लैंड इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें डेफिनेशन टाइप्स, तो फाइव फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल डिटेलिंग ऑफ इंडिया। डेफिनेशन, इंडिया क्या है? इंडिया इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। रीज़न क्या है इसका? देयर इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्केल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इसीलिए इंडिया को बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि डाइवर्सिटी इंडिया में जो है, एक कॉन्टिनेंट में जितनी डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना, उतनी डाइवर्सिटी इंडिया नाम की कंट्री में है। तो इंडिया एक कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि सब कॉन्टिनेंट ही है, साइज़ में थोड़ा छोटा है लेकिन डाइवर्सिटी के मामले में कॉन्टिनेंट जैसा है। जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक, कल्चरल, रेशियल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। फिर जो इंडिया की लैंड है उसको पांच टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, फाइव डिविजन्स में। MPPCI दैट इज़ माउंटेन्स हैं इंडिया में, फिर प्लेन्स हैं, फिर प्लेट्यूज़ हैं, फिर कोस्ट हैं इंडिया में, कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड्स हैं। डेजर्ट को काउंट नहीं किया जाता एज अ सेपरेट डिवीजन बिकॉज थार डेजर्ट जो है वो एक्सटेंशन है पंजाब हरियाणा प्लेन्स का। इट इज़ जस्ट दैट सरस्वती रिवर ड्राई हो गई जिसकी वजह से वहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हो गया, इसलिए हम डेजर्ट को सेपरेट डिवीजन की तरह काउंट नहीं करते। करना चाहो तो वो भी कर लो, तो छः डिवीजन हो जाएंगे और क्या। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले माउंटेन में नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम्स, फिर दूसरा हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर तीसरा हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा कोस्टल प्लेन्स, पांचवा आइलैंड्स, फिर इसके बाद सॉइल पे आ जाएंगे। तो पहले आ जाते हैं नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम पे। तो डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है माउंटेन्स की, फिर हिमालयस को डिस्कस करेंगे, हिमालय के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और इवोल्यूशन दैट इज़ हिमालय बने कैसे उसको डिस्कस करेंगे। तो नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम में सबसे पहले डेफिनेशन, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेंजेस फाउंड नेक्स्ट टू ईच अदर, एग्जाम्पल नॉर्दर्न हिमालय सिस्टम। रेंज मान लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तीन चार माउंटेंस बने, ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग रेंजेस बनी, अलग अलग माउंटेन बने, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है। तो हमारे पास क्या है, नॉर्दर्न हिमालय सिस्टम है जिसमें अलग अलग रेंजेस हैं और वो एक दूसरे के साइड में लगी हुई हैं। अब टाइप्स, टाइप्स में है तीन टाइप्स है, THP, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज और पूर्वांचल हिल्स, पूर्व यानी ईस्टर्न हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज क्या है, ट्रांस हिमालयाज में तीन रेंजेस हैं, KLL,
काराकोरम, लद्दाख प्लेट्यू और लद्दाख रेंज। हिमालयाज, वी विल डिस्कस ओनली हिमालयाज इन दिस चैप्टर। हिमालयाज में तीन रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। पूर्वांचल हिल, दैट इज ईस्टर्न हिमालयाज, यहाँ पे भी तीन है, NMT, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिल्स में हम पढ़ेंगे सिर्फ हिमालय को। तो हिमालय की डेफिनेशन, हिमालय की टाइप और हिमालय का ओरिजिन, इवोल्यूशन किया आए कहाँ से हिमालय, डेफिनेशन छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं एडिशनल पे कि हिमालय के फीचर क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हिमालय का, हिमालय से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। तो फीचर्स ऑफ हिमालयस में हिमालय की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और शेप और बेंड, पांच चीज़ें। तो लेंथ हिमालय की मैंने लिखी नहीं है। ब्रेड्थ की बात करें तो ईस्टर्न साइड में पतला हो जाता है, वेस्टर्न साइड में मोटा है। तो ये ऐसा एक टेपर कर जाता है ये। वेस्टर्न साइड में मतलब इधर जम्मू एंड कश्मीर के साइड में ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट हम जाएंगे पतले होते जाएंगे हिमालय। तो जम्मू कश्मीर साइड वेस्ट में 500 किलोमीटर है ब्रेड्थ, और नॉर्थ ईस्ट के पास 80 किलोमीटर की ब्रेड्थ हो जाती है हिमालय की। थ्री रेंजेस गेट नैरो टुवर्ड्स ईस्ट। फिर हाइट की बात करें हिमालय की, तो हाइट में उल्टा है, नॉर्थ ईस्ट में जाके ज़्यादा हो जाएगी हाइट, मतलब बैलेंस है। चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है हिमालय की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन हाइट में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में हाइट कम है, हिमालय की नॉर्थ ईस्ट साइड बढ़ती है। और वो वैसे भी याद होगा क्योंकि नेपाल में हाईएस्ट पीक है, तो यानी उस साइड हाइट बढ़ रही है। तो हाइट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज इज़ ग्रेटर देन वेस्टर्न हिमालयाज। फिर शेप ऑफ हिमालयाज की बात करें तो आर्क के शेप में है, सीधा सीधा नहीं है, आर्क के शेप में है। और अगली फीचर है हिमालय का, हिमालय में दो बैंड्स हैं, एक जम्मू कश्मीर के पास वेस्टर्न बैंड B1 और नॉर्थ ईस्ट के पास बैंड B2। तो दो बैंड्स हैं B1 B2 लोकेटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। तो ये फीचर्स हो गए, पांच फीचर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, शेप और बैंड है माउंटेंस में। स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय की बात करें तो इसमें क्या है, इनर हिमालयाज, इनर हिमालयाज के बाद लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। तो इनर हिमालय और आउटर हिमालय हैं, और उसके बीच में लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, IGML, दैट इज़ आइस एज ग्लेशियर्स, आइस एज में ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो उनके कारण लेक्स फॉर्म हो गई। फिर सेकंड क्या है, एक्सट्रीम कंप्रेशन और फॉल्टिंग की वजह से फॉर्मेशन हुआ क्रैक्स का, जिसे कि फॉल्ट बोलते हैं, ये है MCT, मिड सेंट्रल थ्रस्ट। फिर चार चीज़ें LKFA, लकास्ट्रीन सेडिमेंट्स, लेफ्ट ओवर क्रैक्स एज लेक वेंट इनसाइड द क्रैक, फॉर्मेशन ऑफ KKK, कांगड़ा, काश्मीर, कुल्लू वैली, फर्टाइल प्लेन एंड एग्रीकल्चर सपोर्टेड। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, इनर हिमालय, आउटर हिमालय और इनके बीच में लेसर हिमालय। अब इनर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या हुआ, क्रैक आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर हार्ड रॉक्स रही होंगी, तभी वो फोल्ड होने के बजाय क्या है, टूट गई, तो क्रैक आया। तो इसको बोलते हैं मिड मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके बाद क्या है, अगली चीज़ कि जो लैकस्ट्रीन सेडिमेंट्स थे, मतलब क्या है, यहाँ पे पानी कैसे आया, तो आइस एज के टाइम पे यहाँ ग्लेशियर रहे होंगे, वो ग्लेशियर जब मेल्ट हुए तो उसके कारण यहाँ पे लेक्स बन गई होंगी। फिर उसके बाद क्या है, एक्सट्रीम कंप्रेशन हुआ तो वहाँ क्रैक आया, तो वहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बन गया। फिर क्योंकि लेक है तो क्रैक आने की वजह से लेक तो अंदर चली गई, पानी अंदर चला गया, सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्स बचे, ठीक है, इन क्रैक के ऊपर। तो यहाँ पर सेडिमेंट्स बचे तो प्लेन रीजन बन गया। तो ये जो वैली वाला रीजन था, वहाँ पे कांगड़ा वैली है, कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स बचे तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, और फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सपोर्टेड है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय से ही तो मिट्टी कट कट के आ रही है, और नॉर्दर्न प्लेन्स बनने हैं, वो हिमालय की ही मिट्टी है, जैसे कि पानी काट काट के ला रही है और यूपी बिहार में डिपॉजिट कर रही है। तो यूपी बिहार में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है फर्टाइल, वो हिमालय की ही वजह से हैं। तो ये लैंड में हुआ, लैंड बना रहा है हिमालयस। दूसरा पानी, जो पानी के रूप में जितनी भी पेरिनियल रिवर्स हैं वो हिमालय में ही ओरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर, एयर, मॉनसून और रेनफॉल बाय वेस्टर्नलीज हिमालय की वजह से, TTHL, टूरिज्म, टिम्बर, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक। तो हिमालय के यूज़ लैंड, एयर, वाटर तीनों में है। हिमालयस लैंड बनाते हैं, एग्जाम्पल फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय वाटर देते हैं आपको, दैट इज़ पेरिनियल रिवर्स, जिनका कि हाइड्रो पावर में यूज़ कर सकते हो। हिमालय एयर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मानसून इनकी वजह से आते हैं, प्लस वेस्टर्लीज के कारण रेनफॉल आती है। इसके अलावा आप TTHL, चार चीज़ें और हैं हिमालयाज की, टूरिज्म, टिम्बर, हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक। फिर प्रॉब्लम, जो हिमालयाज स्टेट हैं दे लैक डेवलपमेंट इवन आफ्टर बींग रिसोर्स रिच। तो रिसोर्स फॉर हिमालयाज क्यों, वाटर है वहाँ पे, इतनी नदियाँ हैं तो हाइड्रो पावर में यूज़ हो सकता है, हिमालय में फॉरेस्ट है तो टिम्बर का यूज़ कर सकते हो, टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हो, तो रिसोर्सेज तो हैं वहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है वो, ठीक है,
टफ टेरेन है तो लिमिटेड रोड है, वहाँ पे लेस पॉपुलेशन रहती है हिमालयाज में इसलिए वहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ हैं। पॉलिटिकल रीज़न क्या है, लेस एंड डाइवर्स डिस्पर्स पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ा एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना वहाँ डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतनी दूर दूर पॉपुलेशन है ना, और फिर दूर दूर पॉपुलेशन है तो उतने बड़े रीजन को एक MP मिलेगा, तो वैसे भी वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब आएगा अगला टाइप्स ऑफ हिमालयाज, तो टाइप्स ऑफ हिमालयाज बेस्ड ऑन NERCVH 6 थिंग्स, नेम, एलिवेशन, रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन और ह्यूमन सेटलमेंट। तो तीन तरह के हिमालय हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। तो ग्रेटर हिमालय को इनर, मतलब मैंने बताया ना तीन हिमालय, इनर हिमालय, आउटर हिमालय और उनके बीच में लेसर हिमालय। तो जो इनर हिमालय है वो सबसे बड़ी चोटी है जिसे ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जो आउटर हिमालय है वो सबसे छोटी चोटी है उन्हें शिवालिक्स बोलते हैं, और जो इन दोनों के बीच में लेसर हिमालय है उनको मिडिल हिमालय बोलते हैं। तो नाम बता दिया, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालय बोलते हैं। एलिवेशन, जो ग्रेटर हिमालय उनको ग्रेट क्यों बोलते हैं, सबसे अंदर है और सबसे ज़्यादा ऊँचे हैं ये, 6100 मीटर अबव मीन सी लेवल, ये एवरेज हाइट है 6100 मीटर, मतलब इससे ऊँचे भी हो सकते हैं इससे कम वाले भी। जो मिडिल हिमालय वो सिर्फ 4000 मीटर के आसपास है एवरेज हाइट, शिवालिक जो है 1500 मीटर। रॉक्स की बात करें तो जो इनर हिमालयाज हैं ग्रेटर हिमालय वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो बाहर के साइड शिवालिक्स हैं वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक है इनर में और मिडिल में, तो वहाँ पर कंप्रेशन होगा तो क्रैक आएगा और उसी के कारण मेन सेंट्रल थ्रस्ट बनेगा। जो शिवालिक्स हैं वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो वो फोल्ड होकर माउंटेन बन गए होंगे और वो ज़्यादा फर्टाइल होंगे क्योंकि रिवर के सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे। क्लाइमेट की बात करें तो इनर हिमालय हाइट इतनी ज़्यादा है, हाइट में बढ़ने पे टेम्परेचर घटता है तो पोलर क्लाइमेट है वहाँ पे, मिडिल हिमालय शिवालिक में ऐसा कुछ है नहीं। फिर क्योंकि इनर हिमालय में पोलर क्लाइमेट है तो ठंडा है टेम्परेचर, इसलिए वेजिटेशन भी वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन है। जो मिडिल हिमालय है आइस कवर्ड हो जाता है विंटर्स में, इसलिए अल्पाइन ग्रास समर में आ जाती है, प्लस कॉनिफेरस वेजिटेशन, शिवालिक का कुछ बताया नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि इनर हिमालय हाइट ज़्यादा है तो पोलर क्लाइमेट, इसलिए अल्पाइन वेजिटेशन, इसलिए बहुत कम पॉपुलेटेड है वो क्योंकि पोलर क्लाइमेट है, ठंडा ही है सब कुछ। मिडिल हिमालय आइस कवर्ड होते हैं विंटर्स में लेकिन गर्मी में अल्पाइन ग्रास आ जाती है प्लस कॉनिफेरस वेजिटेशन, इसलिए मिडिल हिमालय जो है वो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि कॉनिफेरस ट्रीज से आपको टिम्बर मिल जाता है। शिवालिक्स की बात करें, दैट इज़ आउटर हिमालयस जो हैं वहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है दून में और द्वार्स में, एग्जाम्पल देहरादून, हरिद्वार। फिर हिमालय बने कैसे, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दो प्लेट आप याद रखना, सबसे पहले तीन स्टेप्स में बने। टर्शरी पीरियड में क्या हुआ, इंडियन प्लेट टकराई जाके यूरेशियन प्लेट से, इस इवेंट की वजह से इंडिया की पूरी ज्योमेट्री तैयार हो गई है। नॉर्थ में क्या हो गया, क्योंकि इंडियन प्लेट जाके टकराई यूरेशियन प्लेट से तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ, हिमालय बन गए वहाँ पे, उठ गई मिट्टी। साउथ में क्या हुआ, वेस्टर्न घाट बन गए प्लस ईस्टर्न घाट में डेल्टा बन गया, ठीक है। मतलब जब वो टकराई तो जो वेस्ट साउथ में वेस्टर्न हिस्सा था वो उठ गया और ईस्टर्न हिस्सा नीचे चले गया, तो इसीलिए वेस्ट से बहते हुए नदी ईस्ट में जाती है और डेल्टा फॉर्म होता है। अब इंडियन प्लेट जो है वो सेपरेट हो गई थी फ्रॉम गोंडवाना लैंड, ठीक है, फिर वो मूव करने लगी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जब वो मूव करने लगी तो टेथिस सी जो है वो पतली होती गई, टेथिस सी एक्टेड एज जियो सिंक्लाइन, ठीक है, और उसके सेडिमेंट्स गॉट कंप्रेस्ड जिनकी वजह से हिमालय बन गए। फिर जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्योंकि इंडियन प्लेट डेंसर थी यूरेशियन प्लेट से, इसलिए इंडियन प्लेट नीचे चली गई यूरेशियन प्लेट के, तो ट्रांस हिमालयन रेंज रेज हो गई और उसके कारण फॉर्म हो गया ये फॉर्म हो गया क्या, ITZ जोन, अ जोन फ्रॉम वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। चौथी चीज़ क्या है, कंटिन्यूस कंप्रेशन की वजह से जो अब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट ये कंटिन्यूसली कन्वर्ज कंप्रेस हो रही हैं, तो इसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है वो रोटेट कर गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और स्लैम शट हुआ एक बार की स्लैम शट, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ इन ईस्टर्न पार्ट इज़ मोर, तो थिनर एंड थिक हायर हिमालयाज हो गए ईस्टर्न साइड में, एंड एट टू मेन प्रेशर पॉइंट्स इट गॉट बेंट। पाँचवा स्टेप क्या है, व्हेन इंडियन प्लेट कोलाइडेड विथ ईस्टर्न प्लेट तो वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ गई, इसीलिए जो रिवर है वो बहती है वेस्टर्न घाट से एंड मेड पोर्स इन ईस्टर्न घाट, इसलिए ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूस। तो फिर से पढ़ते हैं बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज हियर। टर्शरी पीरियड में इंडियन प्लेट कोलाइड करती है यूरेशियन प्लेट की और इसी की वजह से इंडिया की ज्योमेट्री पूरी शेप हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा,
नॉर्थ में हिमालय बन जाएंगे, साउथ में ईस्टर्न साइड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट बन जाएंगे। यही हुआ चेंज, ठीक है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट बने, वेस्ट में वेस्टर्न घाट बने, नॉर्थ में माउंटेन बन गया इसकी वजह से। तो देखते हैं इस ये कैसे हुआ। सबसे पहले इंडियन प्लेट सेपरेट हुई गोंडवाना लैंड से, एक बड़ा लैंड था जिससे टूटा इंडियन प्लेट, और फिर इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट मूव करने लगा। नॉर्थ ईस्ट और यूरेशियन मतलब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी हुआ करती थी जो कि पतली होती गई। फिर क्या हुआ, जो टेथिस सी के नीचे सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेस होने लगे, ये कंप्रेस होते गए तो फोल्ड हो गए ये सेडिमेंट्स, जिसके कारण हिमालय बन गए नॉर्थ में। फिर से इंडियन प्लेट जब कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट से, तो इंडियन प्लेट ज़्यादा डेंस थी यूरेशियन प्लेट के कंपैरिजन में, तो इंडियन प्लेट नीचे घुस गई, तो ट्रांस हिमालयन रेंज रेज हो गई और इसके कारण फॉर्मेशन हुआ ITSZ का, दैट इज़ एक जोन जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलती है। फिर कंप्रेशन होता रहा होता रहा होता रहा, और फिर क्या हुआ, इंडियन प्लेट रोटेट कर गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जैसे दरवाजे को धड़ाक से बंद करते हैं उसी तरह से इंडियन प्लेट धड़ाक से बंद हुई यूरेशियन प्लेट में, स्लैम शट बोलते हैं जिसे। तो इसके कारण जो ईस्टर्न पार्ट था वो ज़्यादा कंप्रेस हो गया, तो क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ज़्यादा कंप्रेस है तो ईस्टर्न पार्ट में जो हिमालय हैं वो ज़्यादा ऊंचे हो गए क्योंकि ज़्यादा कंप्रेशन है, तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में कम ऊंचे हिमालयाज हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे स्लैम शट हुआ धड़ाक से बंद हुई इंडियन प्लेट जाके, वो ज़्यादा ऊंचे हो गए। प्लस जब कंटिन्यूस कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर पॉइंट दो जगह डेवलप हुए, जम्मू एंड कश्मीर के पास तो एक बेंड वहाँ पर आया, और नॉर्थ ईस्ट के पास तो एक बेंड हिमालय का वहाँ आया, तो दो बेंड इस वजह से बन गए। फिर इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड की तो वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ गई, ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ी तो रिवर्स वेस्टर्न घाट से फ्लो होने लगी, फ्लो होकर जब वो ईस्टर्न घाट से टकराई तो ईस्टर्न घाट में उन्होंने छेद कर दिया, तो इसलिए ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हो गया आपका हिमालय के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की डेफिनेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन और इवोल्यूशन, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो डेफिनेशन, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है वर्ल्ड में, 3,200 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हैं, जिसमें 2,400 किलोमीटर तो इंडिया है, बचा हुआ 800 किलोमीटर जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स का, राजस्थान से आसाम तक ये पांच चीज़ें, ATH, TH, एग्रीकल्चर क्योंकि प्लेन है फर्टाइल है, फिर एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं, इसलिए ह्यूमंस बसेंगे यहाँ पे, ह्यूमन सेटलमेंट आएगा तो फिर ह्यूमंस मूव करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, ह्यूमन यहाँ पर सेटल करेंगे एग्रीकल्चर करेंगे तो उनके पास पैसे ढेर सारे आएंगे, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे वो, तो टूरिज़्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खाना पानी सब है तो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, तो ढेर सारे लोग हो जाएंगे, तो वो ढेर सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो वर्कफोर्स बढ़ेगी, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उन प्रोड्यूस को कंज्यूम करने के लिए ढेर सारे लोग हैं, तो ह्यूज वर्कफोर्स भी है, ह्यूज मार्केट भी है, सिंस पॉपुलेशन इज़ हाई इसलिए मोर हैंड्स टू वर्क, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, मोर हैंड्स टू डिमांड इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस्ड चीज़ों का कंजम्पशन भी यहीं पर होगा। तो ये है नॉर्दर्न प्लेन्स का सिग्निफिकेंस। कन्नौज के लिए एग्जाम्पल लड़ाई हुई थी ना ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो इसीलिए हुई थी नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया जाता है चार में, BT BK, दैट इज़ भाबर, तराई, बंगर और खादर। भाबर यानी कंकड़ है यहाँ पे, जोन ऑफ पेबल्स लाइंग अलोंग फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स, इरोजन ऑफ शिवालिक पेबल डिपॉजिटेड हियर। मतलब क्या है, शिवालिक के फुटहिल्स पे, मतलब जस्ट शिवालिक से थोड़ा नीचे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे आपको कंकड़ मिलेंगे, क्यों, वही शिवालिक का इरोजन हो रहा है, तो इरोजन से जो टूट रहा है शिवालिक माउंटेन वही कंकड़ के रूप में यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो भाबर हो गया। फिर तराई, तर का मतलब होता है वेट जोन, तो यहाँ पर भी पेबल्स हैं तो यानी उसमें वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा यानी हाई पोरोसिटी, तो जो नदी ऊपर से आएगी माउंटेन से वो इस पोर्स में घुस जाएगी, तो नदी यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है, तो गीली गीली मिट्टी हो जाती है, यानी ये मार्शी जोन है, गीली गीला एरिया राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है तराई वाला तर एरिया। फिर बांगर यानी बूढ़ा यानी ओल्ड एलुवियम, ये रिवर से दूर फॉर्म होता है। खादर यानी खादी नया नया कपड़ा है, तो यंग एलुवियम नियर रिवर। तो आप ये देख सकते हो ये नॉर्थ में हुआ, नॉर्थ में हिमालयज हुए, फिर हिमालय में क्या होगा, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर लोअर हिमालय, शिवालिक्स। यहाँ से नदी क्या करेगी, काट के लाएगी पूरा ऊपर इरोजन करके और कंकड़ों को यहाँ पर लगा देगी, भाबर हुआ। फिर नदी यहाँ पे नीचे चली जाएगी, नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगी, तो ये तराई तर रीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये नदी प्लेन्स वाला रीजन है, तो नदी के जस्ट किनारे क्या होगा, नई नई सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे, तो ये भाबर हो गया।
और इससे दूर, नहीं, नया नया होगा तो ये खादर हो गया, और इससे दूर जो होगा वो भाबर हो जाएगा। तो बी टी बी के, दैट इज़ भाबर, तराई, बांगड़, खादर, फिर नदी आई, फिर ये साउथ इंडिया आ गया। तो ये चार हो गए हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, और नॉर्दर्न प्लेन्स के छः वर्टिकल डिवीज़न हैं, राजस्थान से आसाम तक। छः रीजन्स हैं, पंजाब से हरियाणा तक। छः रीजन्स हैं, सॉरी, वर्टिकली डिवाइड करोगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन और असम। तो वर्टिकली डिवाइड करोगे प्लेन्स को तो वेस्ट साइड में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गए। फिर आपका क्या है, गंगा जहाँ से बहती है उसको अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, फिर नॉर्थ ईस्ट के साइड असम में। तो ये पूरा ही प्लेन है। तो इनको छः डिविजन्स में हम बांटेंगे। सबसे पहले वेस्ट में पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 दोआब्स, दोआब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स, प्लस यहाँ पे 90 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, तो इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ पे वीट के लिए बहुत अच्छा एरिया ये, यूजिंग यूरिया राइस भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो आप पंजाब, हरियाणा में। फिर वेस्ट में राजस्थान के प्लेन्स हैं, तो राजस्थान के प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर सेमी एरिड एरिया है, वो 60 से 90 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेकिन जो वेस्टर्न राजस्थान है वो पूरा एरिड रीजन है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है, ज़्यादातर वो सैंडी है, इसलिए कम लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर आप आ गए गंगा जहाँ से बहती है, तो अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा, लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन हो गया वेस्टर्न यूपी, रोहिलखंड वाला एरिया। मिडिल गंगा हो गया ईस्टर्न यूपी और बिहार, और लोअर गंगा प्लेन हो गया वेस्ट बंगाल का डेल्टा और नियर बाई एरिया। फिर जो अपर गंगा है वहाँ पे दो दोआब हैं, गंगा और यमुना के बीच वाला लैंड और यमुना और चंबल के बीच वाला लैंड, ठीक है। ये काफ़ी सिल्टी सॉयल है, प्लस यहाँ पे POW, पल्स ऑयल सीड और वीट को ग्रो कर सकते हो आप। मिडिल गंगा की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यूपी बिहार में वाले रीजन को गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन करती हैं, और यहाँ पर है तीन चीज़ें, RSO, राइस, शुगर केन और दूसरे क्रॉप्स। शुगर केन जो है लोमी सॉयल में आ जाएगा। फिर लोअर में, लोअर गंगा प्लेन में वेस्ट बंगाल का डेल्टा और नियर बाई रीजन, तो यहाँ पे क्लेई सॉयल है, राइस और जूट प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर असम का ब्रह्मपुत्र रीजन, जिसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। इवोल्यूशन, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे, तो अगर हिमालयाज एंटीक्लाइंस हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या हैं, सिंक्लाइन है। मतलब हुआ क्या, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय उठ गया, लैंड उठ गई और हिमालय बन गया। तो जब लैंड उठेगी तो कहीं लैंड नीचे भी तो जाएगी, क्योंकि कुछ ऊपर उठा है तो कहीं गड्ढा हुआ होगा ना, वही मिट्टी तो है। तो हिमालय ऊपर उठे तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया बिटवीन हिमालयाज एंड विंध्यास। तो अब क्या होगा, हिमालय ऊंचा एरिया है तो वहाँ से नदियाँ बह के नीचे वाले एरिया, दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स में आने लगी। तो नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं, इस गड्ढे वाले रीजन में आने लगी। अब रिवन हिमालयाज से आ रही हैं, विंध्यास से भी आ रही हैं, दोनों साइड से माउंटेन को इरोड करते हुए आ रही हैं, सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए, और इसी गड्ढे में इस सेडिमेंट्स को भरे जा रही हैं। तो जब ये गड्ढा सेडिमेंट से भरता जाएगा तो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि इंडियन प्लेट जाके टकराई यूरेशियन प्लेट से, धड़ाक से, तो यहाँ माउंटेन उठ गए, मतलब यही ये ऐसे बन गया होगा। तो इधर उठे हुए विंध्यास हैं, इधर माउंटेन उठा हुआ है। फिर जब नदी इधर से और इधर से बहेगी तो माउंटेन को इरोड करते हुए यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट, यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट, डिपॉजिट करते करते इस गड्ढे को भर देगी सेडिमेंट से, और उससे नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाएंगे। फिर अगला आ जाएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसकी डेफिनेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टाइप्स और इवोल्यूशन। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, डेफिनेशन, ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फीचर है इंडियन फिजियोग्राफी का। लार्जेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 रीजन्स हैं, AM, VCM, SDT, घाट्स, पता नहीं ये क्या है। और ओल्डेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, ओल्डेस्ट इसलिए बोलते हैं प्लेट्यू को क्योंकि इंडियन प्लेट जो कोलाइड की थी यूरेशियन प्लेट से वॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू। हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स वर क्रिएटेड लेटर, मतलब इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना से सेपरेट हुई थी वो एक प्लेट्यू ही था, वही उस टाइम का पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इन नॉर्दर्न मतलब हिमालयाज, फिर जब इंडियन प्लेट यूरोशियन प्लेट से टकराई तब हिमालय बने, और बाद में इस हिमालय से नदियाँ आईं और इरोड करते हुए सेडिमेंट्स डाले तो नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो सबसे पुराना आपका प्लेट्यू रीजन ही है, जब इंडियन प्लेट टकराई तो प्लेट्यू के बाद हिमालय बने, हिमालय के बाद फिर नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो सबसे नया रीजन है नॉर्दर्न प्लेन, सबसे पुराना है प्लेट्यू वाला हमारा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, 7 चीज़ें, PTM, एक तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कॉटन यहाँ पर उगा सकते हैं, टूरिज्म, प्लस मिनरल्स हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। प्लेट्यू रीजन मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट प्लेट पे नीचे से निकला होगा लावा, वो बेसिक लावा रहा होगा तो फैलता गया होगा, तो लावा ने अपने साथ ऊपर क्या किया होगा, मिनरल्स ले आया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे खूब मिनरल्स मिलते हैं।
मिनरल्स मिलते हैं, मतलब वही स्टील एल्यूमिनियम मिलेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप करो, खूब पैसा बनाओ। फिर BWHH, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट जो कि वाटरशेड की तरह एक्ट करता है, प्लस मानसून आता है वेस्टर्न घाट। फिर हैवी इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स नदियों की वजह से। फिर अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू के टाइप्स देखें तो इसको 10 रीजन में डिवाइड कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो उसमें है 5 चीज़ें, AMVCM, दैट इज़ अरावली, मालवा प्लेट्यू, विंध्या, छोटा नागपुर और मेघालय प्लेट्यू। परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे इनके तो आपको मिलेंगे 3 चीज़ें, SDT, दैट इज़ सतपुरा, डेक्कन प्लेट्यू और तेलंगाना, ये देखिए SDT। इंक्लाइंड लाइन बनाओगे तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आते हैं पेनिनसुलर प्लेन्स में, प्लेट्यू में हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दैट इज़ 5 चीज़ें, AMVCM, अरावली, मालवा प्लेट्यू, विंध्या, छोटा नागपुर और मेघालय प्लेट्यू। अरावली क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जो फोल्ड माउंटेन को अगर आप डिस्कस करोगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, फोल्ड माउंटेन यानी सेडिमेंट्स ही फोल्ड हुए होंगे, तो अरावली सेडिमेंट से बना है। नोट, ओरिएंटेशन ऑफ अरावली, लोकेशन क्या है, दिल्ली से राजस्थान तक जाते हैं तो इस ओर ओरिएंटेड है ये, और विंड ब्लो करती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए विंड्स जो होती हैं वो अरावली के पैरेलल जाती हैं, तो अरावली क्योंकि विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते इसलिए राजस्थान में कोई बारिश नहीं होती। अगर यही अरावली साउथ वेस्ट विंड के परपेंडिकुलर होता तो ऑब्स्ट्रक्ट करता और बारिश होती वहाँ पर बहुत ढेर सारी। फिर मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं, तो मालवा प्लेट्यू क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, और क्योंकि प्लेट्यू यानी उठा हुआ रीजन है, ज़्यादा एलिवेशन है इसका, तो जब बारिश होगी तो यहाँ से भी पानी नीचे गिरेगा, तो चंबल नदी है यहाँ पे जो कि इस एरिया को ड्रेन करती है, लेकिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इरोजन और बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर सेमी एरिड है, बैड लैंड टोपोग्राफी है, रिल और गली के फॉर्म में मालवा प्लेट्यू में। फिर विंध्यास छोड़ दो, फिर छोटा नागपुर आएगा। छोटा नागपुर को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोलते जाते हैं, या फिर कह सकते हैं पैटलैंड है ये इंडिया का, पैटलैंड यानी एक्सपोज्ड बैथोलिथ, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे मिनरल्स मिलते हैं। छोटा नागपुर में आयरन मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, क्योंकि इग्नियस रॉक है यहाँ पे, इसलिए आयरन मिलता है, प्लस दामोदर फॉल्ट है यानी क्रैक है, तो क्रैक है तो यहाँ पर कोल भी मिलता है, कोयला। फिर मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक ऑफशूट है, मेटल प्लस कोल डिपॉजिट मिलते हैं वहाँ पर भी, प्लस 3 हिल्स हैं विच फॉर्म अ फनल टू ट्रैप मानसून विंड्स, इसलिए बहुत ढेर सारी बारिश होती है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया में। ठीक है, ये 3 फनल्स हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं। फिर परपेंडिकुलर लाइन हो गया SDT, दैट इज़ सतपुरा, दक्कन प्लेट्यू और तेलंगाना। सतपुरा 7 यानी 7, तो 7 हिल्स हैं वहाँ पे, बट वी कैन सी ओनली 4 हिल्स, क्योंकि जो दूसरी 3 हिल्स हैं वो इरोड होके ख़त्म हो गई, तो ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है यानी सेडिमेंट्स रहे जो कि कंप्रेशन के कारण फोल्ड हो गए, लेकिन ये ऐसा दिखता है मानो ब्लॉक माउंटेन हो। फिर डेक्कन प्लेट्यू, ये लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्लेट्यू है जो कि 15 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है। इसमें 5 रीजन आते हैं डेक्कन प्लेट्यू में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और मालवा प्लेट्यू। इंडियन प्लेट जब सेपरेट हुई गोंडवाना लैंड से तो क्रैक्स बने, तो लावा बाहर आया, ये लावा जब बाहर आया तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ, उसके कारण डेक्कन प्लेट्यू बन गया वहाँ पर। तेलंगाना, कर्नाटका प्लेट्यू के 2 पार्ट हैं, एक मालानाद, माला मतलब हिल्स, नाद यानी लैंड, तो लैंड ऑफ हिल्स मालानाद, और एक मैदान मतलब साउथ ईस्ट पार्ट जो कि सेमी एरिड है, वहाँ पर रागी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इंक्लाइंड लाइंस में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूस हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है तापी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस हिल्स क्यों हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट से जो माउंटेन्स से रिवर्स फ्लो करके आती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वो क्या करती हैं, इन हिल्स को टकरा टकरा के उनको डिसकंटिन्यूस बना दिया, छेद कर दिया उसमें, तो ईस्टर्न घाट में आता है आपका ओडिशा, ओडिशा में सरकार्स, फिर AP और तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज महाराष्ट्र में, गोवा और कर्नाटका में सेंट्रल सह्याद्रीज, और सदर्न सह्याद्रीज केरला और तमिलनाडु में। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का एवोल्यूशन, मतलब ये बना कैसा, तो ओरिजिन ऑफ हिमालयाज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इट इज़ लोकेटेड ऑन प्लेट बाउंड्री, तो आप बता सकते हो कि प्लेट से प्लेट टकराई, सेडिमेंट्स रखे होंगे तो फोल्ड हो गए, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एज इट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन प्लेट बाउंड्री, तो वी यूज़ यूनिफॉर्मिज्म थ्योरी टू एक्सप्लेन इट। यूनिफॉर्मिज्म थ्योरी क्या कहती है, ऑल द प्रोसेस विच आर टेकिंग प्लेस नाउ हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन पास्ट एंड विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। यूनिफॉर्मिज्म, यूनिफॉर्म मतलब वही चीज़ हो रही है जो पहले हुई थी वो आज हो रही है और वही हमेशा फ्यूचर में होगी। ठीक
ठीक है, तो अगर आप इस थ्योरी को मानते हो कि जो आज हो रहा है ये पहले हो चुका है और फ्यूचर में भी होगा, तो आप इसको सोचोगे तो पेंजिया हैज़ फॉर्म्ड मैनी टाइम्स, तो वो एक साइकिल है। तो उसमें क्या है, माउंटेन फीचर, जब मानो पहली बार पेंजिया टूटा तो माउंटेन फीचर बने अरावली, विच आर नॉट ऑन प्लेट बाउंड्री टूडे, लेकिन ये अरावली हो सकता है प्लेट बाउंड्री पर रहे हों इन द पास्ट। तो अरावली जहाँ अभी माउंटेन दिख रहा है, पास्ट में वो प्लेट बाउंड्री रही होगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिज्म का यूज़ करके एक्सप्लेन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की डेफिनेशन, टाइप्स और रीजन्स इन कोस्टल प्लेन्स। तो टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। डिफरेंस क्या है इसमें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो हैं क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये वाइडर है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सिग्निफिकेंट है मिनरल डिपॉजिट के लिए, तो माइनिंग और इंडस्ट्रियल रीजंस आपको इंडिया में वेस्टर्न में मिलेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सिग्निफिकेंट है डेल्टास के लिए, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इमर्जेंट कोस्ट है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सबमर्जेंट कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रेनफॉल होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, जिसको कि वेस्टर्न घाट स्ट्रोक लेते हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आती हुई हवा को ईस्टर्न घाट रोकता है और साउथ वेस्ट से आती हुई हवा को वेस्टर्न घाट रोकता है। तो साउथ वेस्ट हवा को वो रोकेगा तो उसके कारण बारिश होगी वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट से आती हवा को रोकेगा ईस्टर्न घाट, तो उसके कारण यहाँ पे बारिश हो जाएगी। फिर कोस्टल प्लेन्स के भी रीजन्स को आप डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को आप डिवाइड कर सकते हो चार एरियाज़ में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड कर सकते हो तीन एरियाज़ में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के चार कौन से हैं, वही स्टेट्स के बेसिस पे याद रख लो, गुजरात, गुजरात में गुजरात कोस्ट, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और गोवा जहाँ पे कोंकण कोस्ट है, फिर उसके नीचे है कन्नारा कोस्ट, फिर केरला के पास है मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो गुजरात में गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण कोस्ट, कर्नाटका के पास कन्नारा कोस्ट, केरला के पास मालाबार कोस्ट। तो गुजरात कोस्ट में क्या है, चार चीज़ें, लिम्ब LIMB, गुजरात की क्या है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स मिलेंगे, सॉल्ट मिलेगा और एग्रीकल्चर भी होगा, तो इसीलिए गुजरात में पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं। प्लस गुजरात को इन्वेस्टमेंट मिलता है NRIs से, क्योंकि गुजरात हैज़ एवरीथिंग, प्लस मैनी NRIs आर फ्रॉम गुजरात। फिर मार्केट, गुजरात इज़ क्लोजेस्ट टू इंडियाज़ लार्जेस्ट मार्केट, दैट इज़ अफ्रीका। फिर बेज एंड गल्फ्स आर लार्ज इन नंबर, क्योंकि गुजरात कोस्ट इनंडेटेड है, तो शिप्स कैन गो डीपर इन कोस्ट, तो ये नेविगेशन के लिए अच्छा है, इसलिए बहुत ढेर सारे पोर्ट हैं गुजरात में, कांडला पोस्ट। तो ज्योग्राफी है विच मेक्स गुजरात प्रॉस्परस एंड लद्दाख नॉट सो प्रॉस्परस। ठीक है, तो इंडिया में गुजरात ही इतना, गुजरात मॉडल क्यों है अच्छा, क्योंकि ज्योग्राफी ने गुजरात का साथ दिया हुआ है ना, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतनी डाइवर्स है कोस्ट लाइन, इतनी बड़ी है तो ढेर सारे पोर्ट्स बना लो। ठीक है, प्लस गुजरात के कई लोग NRI हैं, गुजरात में हरी इन्वेस्टमेंट इसीलिए ज़्यादा आता है क्योंकि गुजरात हैज़ एवरीथिंग, गुजरात क्लोज है अफ्रीका के, गुजरात में बेज और गल्फ ज़्यादा है, तो इसीलिए। फिर महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट, यहाँ पे आयरन प्लस पेट्रोलियम डिपॉजिट है, तीन मेन पोर्ट्स हैं MNM, मुंबई, नवशिवा और मार्मागांव। फिर कर्नाटका में कन्नारा कोस्ट, जो कि आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, प्लस यहाँ मेजर पोर्ट है मैंगलोर। केरला में है मालाबार कोस्ट, इसको जाना जाता है बैक वाटर्स के लिए, जिन्हें कि कायल्स बोला जाता है, यहाँ पे मेजर पोर्ट है कोचिन, मेनली टूरिज्म। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट भाग में उसे डिवाइड करेंगे, USA, उत्कल कोस्ट, आंध्रा प्लेन्स और कोरोमंडल कोस्ट, मतलब ओडिशा में हो गया आपका उत्कल कोस्ट, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे आंध्रा आ गया, फिर शायद तमिलनाडु के पास कोरोमंडल कोस्ट होगा। तो ओडिशा के पास जो उत्कल कोस्ट है, वेस्ट बंगाल टू चिल्का लेक, दिस कोस्ट हैज़ महानदी डेल्टा, तो राइस और जूट प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश के पास आंध्रा प्लेन्स आ गए, चिल्का लेक टू पोलिकट लेक, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, अगेन राइस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मेजर पोर्ट है विशाखापट्टनम। फिर तमिलनाडु के पास कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम पोलिकट टू कन्याकुमारी, तो यहाँ कावेरी डेल्टा है प्लस वघाई डेल्टा है, तो अगेन यहाँ पे राइस कल्टीवेशन आसानी से हो जाएगा। नोट, ईस्टर्न कोस्ट हैज़ मैनी डेल्टास बिकॉज यहाँ पर स्लोप कम है। ठीक है, तो रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट, क्योंकि स्लोप कम है तो स्पीड कम होगी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा। वेस्टर्न घाट में उतना है ही नहीं, वो इतने स्टीप हैं कि तुरंत पानी वहाँ से बह जाता है, डेल्टा बनने का मौका ही नहीं मिलता वेस्टर्न घाट पे। फिर आते हैं पांचवें डिवीज़न पे, विच इज़ आइलैंड। तो आइलैंड में डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, एडिशनल।
तो दो तरह के आइलैंड होते हैं, ऑन शोर आइलैंड, ऑफ शोर आइलैंड। ऑन शोर आइलैंड जो कि मेन लैंड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही लोकेटेड होता है, ऑफ शोर आइलैंड जो कि मेन लैंड के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से दूर रहता है। मतलब मेन लैंड इंडिया के ही पास में है तो ऑन शोर आइलैंड, मेन लैंड इंडिया से दूर है तो वो हो जाएगा ऑफ शोर। तो ऑन शोर का एग्जाम्पल है दीव आइलैंड जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र पे है, और ऑफ शोर आइलैंड का एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये मेन लैंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से दूर है और मेन लैंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही है दीव आइलैंड। फिर दो टाइप के आइलैंड हैं हमारे पास, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और लक्षद्वीप, अगर ऑफ शोर आइलैंड्स की बात करें तो इनकी डेफिनेशन पार्ट्स और सेटलमेंट। तो अंडमान निकोबार की डेफिनेशन या ओरिजिन, अंडमान निकोबार जो है अराकान योमा का ही कंटिन्यूएशन है, जो सदर्न सेक्शन है अराकान योमा रेंज का वो सबमर्ज हो गया था, और जो लेफ्ट ओवर पीक्स हैं वहाँ की वो है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो मतलब क्या है कि एक माउंटेन रेंज रही होगी अराकान योमा, लेकिन फिर ये क्या हो गया, ये पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, तो उस चट्टान की जो चोटी रही होंगी वो है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जबकि लक्षद्वीप की बात करें तो वो क्या है, एटोल्स हैं, दैट इज़ कोरल आइलैंड या फिर कोरल रीफ्स हैं। अंडमान निकोबार के पार्ट्स की बात करें तो उसमें तीन पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और सदर्न अंडमान। इसकी हाईएस्ट पीक को सैडल पीक कहा जाता है। लेकिन लक्षद्वीप को बात करें तो उसको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ नॉर्थ में अमीन दीवी ग्रुप और साउथ में कन्नौर ग्रुप। फिर अंडमान निकोबार के सेटलमेंट की बात करें तो जनरली ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में, चार ट्राइब्स JANS, दैट इज़ जरावाज, अंडमानी, निकोबारीज और सेंटिनलीस। ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिक आइसोलेशन। लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि रैंक वन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मैक्सिमम लिटरेसी है वहाँ पर, प्लस टूरिज्म सेक्टर लक्षद्वीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है लक्षद्वीप के साथ कि वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है, प्लस क्लाइमेट चेंज के कारण सबमर्जेंस हो सकता है। एडिशनल ज्योग्राफिक बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कि इंडिया में फेडरलिज्म यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका ज्योग्राफिकल बेसिस क्या है, दूसरे भी बेसिस हो सकते हैं लेकिन ज्योग्राफी क्या रोल प्ले करती है इस फेडरलिज्म में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी को कंबाइन करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर है तीन चीज़ें, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म और यूनिटरी बायस। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया चार लेका, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी। हिमालय में हॉर्टिकल्चर हो रहा है जहाँ पे फल प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉर्थ में फूड ग्रेन्स उगा रहे हो, साउथ में स्पाइसेस उगा रहे हो, तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी हो गई। लैंग्वेज बहुत ढेर सारी बोली जाती हैं, कल्चर अलग अलग है, ठीक है। फेडरलिज्म, एवरी कल्चरल रीजन हैज़ इट्स ओन डिमांड, दिस इम्प्लाइज स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। यूनिटरी बायस फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट स्टेट्स, वी नीड सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज जो स्टेट्स रिसोर्स रिच हैं वो अमीर होते जाएंगे, जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो और रिच होते जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं वहाँ से जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो उस पैसे को ले जाके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, वहाँ पर डाल देती है, जिससे वो जो पिछड़े एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। फिर चैनल की बात करें तो चैनल का मतलब क्या होता है, दो लैंड मास के बीच में अगर कोई पानी बह रहा है तो उसको बोलते हैं चैनल। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और बचे हुए लक्षद्वीप के बीच में, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच में, कोको चैनल इंडिया और अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में, ठीक है। तो ये आइलैंड हो गए, तो इंडियन लैंड का एक ये हिस्सा हो गया, अगला इंडियन लैंड का पार्ट हो गया इंडियन सॉइल्स। इंडियन सॉइल्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल्स और सॉइल का यूज़ क्या है। तो डेफिनेशन, सॉइल क्या होती है, पीडियोजेनेसिस क्या होती है। सॉइल क्या होता है, लिथोस्फीयर का जो अनकंसोलिडेटेड पार्ट है ना, एक क्या है कंसोलिडेट हुआ हिस्सा है, एक है अनकंसोलिडेटेड पार्ट, मतलब वो बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है, अभी लूज सा पड़ा हुआ है, तो उस लूज से हिस्से को सॉइल बोलते हैं। तो सॉइल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए सॉइल एक सर्टेन डेप्थ तक ही है लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर का काफ़ी हिस्सा कंसोलिडेट है, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा जो कि अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ है, लूज सा पड़ा हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स दोनों हैं, सिर्फ यही हिस्सा प्लांट ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप इंडिया मतलब लिथोस्फीयर में 1 किलोमीटर डीप खोद दो और फिर वहाँ पर प्लांट उगाने की कोशिश करो। तो एग्जाम्पल हिमालयन सॉइल, वो फ्यू इंचज डीप है लेकिन मैच्योर सॉइल है तो वो 2 फीट डीप हो सकती है।
पीडोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसमें तीन प्रोसेस होती हैं, WTD, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। मतलब रॉक्स हैं, रॉक में हवा चली, पानी बहा, कुछ भी हुआ तो वो रॉक टूटी, फिर रॉक की वेदरिंग हुई टेम्परेचर के कारण, प्रेशर, मतलब फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से रॉक टूटी, फिर हवा पानी उस टूटी हुई रॉक को बहाया और कहीं जाके डिपॉजिट कर दिया, इसकी वजह से मिट्टी बन गई। सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है? सॉइल ही वो एकमात्र प्लेस है जहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ लिविंग बन रही है, ठीक है? मतलब क्या है कि नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ सॉइल पर ही बन रही है। नॉन लिविंग चीज़ क्या है? मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं। इसी सॉइल के ऊपर क्या है? फिर प्लांट्स उग जाएंगे। तो नॉन लिविंग से जो लिविंग में ये जो जादू हो रहा है ये मिट्टी के ही ऊपर हो रहा है। हवा में तो बनते नहीं है प्लांट, ना ही पानी में, तो मिट्टी ही है जहाँ पर कि जीवन आता है। इसीलिए सेफ सॉइल मूवमेंट कर रहे हैं सदगुरु जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? सॉइल के लेयर्स, सॉइल का कॉम्पोनेंट। तो लेयर्स ऑफ सॉइल में बात करें तो 6 लेयर्स हैं सॉइल में, OAE BCD। ऑर्गेनिक लेयर जहाँ पर लीफ का टूटी हुई लीफ रहती है, फिर AEB लेयर जिसको कि ट्रू सॉइल बोलते हैं, अनकंसोलिडेटेड डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। फिर C और D लेयर जो कि बेड रॉक है जहाँ पर डिपोजिशन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, अगर आप किसी भी सॉइल को लो, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से मुट्ठी में आपने सॉइल ले ली, तो उसमें तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब जैसे जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन बदलेगा वैसे वैसे सॉइल बदलेगी। इसके लिए क्या है, आपने जियो टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा सॉल्ट का वो ट्रायंगल, सैंड एक साइड पे, क्ले एक साइड पे, सिल्ट एक साइड पे, और इनके इंटरसेक्शन से अलग अलग टाइप की सॉइल बनती है। तो जहाँ पे बारिश कम हो रही है वहाँ पर सैंड होगी, एग्जांपल राजस्थान। जहाँ पे रिवर डिपॉजिट कर रही है ज़्यादा वहाँ पे सिल्ट आ जाएगा, एग्जांपल UP। जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पे क्ले बन जाएगा। 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिडिल गंगा में होती है तो वहाँ पे लोमी सॉइल आ जाएगी, ठीक है? तो दुनिया में कहीं की भी मिट्टी उठाओगे उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मिलेगा। अब इन्हीं का प्रोपोर्शन जैसे जैसे बदलेगा, पानी का कंटेंट जैसे जैसे बदलेगा, उसी के कारण अलग अलग मिट्टी आपको मिलेगी। सैंड मिलेगी आपको लो रेनफॉल एरिया राजस्थान में, सिल्ट मिलेगा जहाँ पर नदी बह रही है, एग्जांपल गंगा UP में बहती है, तो क्ले मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। लोमी वहाँ पर मिलेगी जहाँ पे 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, फॉर एग्जांपल मिडिल गंगा। लोमी सॉइल में शायद सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है शायद। अब कौन कौन से फैक्टर सॉइल को अफेक्ट करते हैं? तो 5 फैक्टर हैं PCVST, ठीक है? तो उसमें क्या है, रॉक का नेचर, नहीं PRPM, फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन, स्लोप और टाइम, ये 5 चीज़ें सॉइल को अफेक्ट करती हैं। तो इंडिया में किसी भी रीजन की सॉइल उठा लो, उनको इन्हीं 5 फैक्टर्स पर आप कंपेयर कर सकते हो। तो पहली चीज़ है PRPM, दैट इज़ पेरेंट रॉक कौन सी और पेरेंट मटेरियल कौन सा है। पेरेंट रॉक मतलब वो सरफेस जिसके ऊपर वेदर्ड मटेरियल आके एक्यूमुलेट हुआ, और पेरेंट मटेरियल क्या है, वो है वेदर्ड मटेरियल जो डिपॉजिट हुआ। तो पहले कोई रॉक रही होगी या कोई पेरेंट मटेरियल रहा होगा, उसके ऊपर टूट के मिट्टी आके जमी होगी, तो टूटी हुई मिट्टी जो आके जमा हुई वो है पेरेंट मटेरियल, जिसके ऊपर जमा हुई उसे बोलते हैं पेरेंट रॉक। क्लाइमेट में SMB, दैट इज़ सॉइल मॉइस्चर बैलेंस। तो सॉइल मॉइस्चर बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है सॉइल मॉइस्चर बैलेंस तो वहाँ डेजर्ट बन जाएंगे। जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर क्या है, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, एसिडिक सॉइल, ये बनेंगी। तो SMB पॉजिटिव है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है या इवेपोरेशन ज़्यादा है, नहीं, SMB पॉजिटिव है प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने के कारण या इवेपोरेशन कम होने के कारण। प्रेसिपिटेशन ज़्यादा यानी इनपुट ज़्यादा है, इवेपोरेशन कम है यानी आउटपुट कम है। तो इन दोनों ही रीज़न की वजह से SMB पॉजिटिव। तो SMB सॉइल मॉइस्चर बैलेंस पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है इवेपोरेशन से। तो इसका एग्जांपल है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज। SMB पॉजिटिव है क्योंकि इवेपोरेशन कम हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है टेम्परेट और पोलर रीजन्स। तो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज में ड्यू टू हाई रेनफॉल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स गेट वॉश्ड अवे, ठीक है? तो ये वो रीजन हो जाएंगे विथ हायर कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम या फिर आयरन, ठीक है? एल्यूमिनियम ज़्यादा है तो लैटराइट सॉइल बन जाएगी, आयरन ज़्यादा है तो रेड सॉइल बन जाएगी। फिर SMB पॉजिटिव है लेकिन इवेपोरेशन कम हो रहा है तो टेम्परेट और पोलर रीजन्स। तो यहाँ पर क्या है, सिलिका बीइंग लाइट स्टेज अप, आयरन बीइंग डेंस गोज डाउन। तो सिलिका ज़्यादा होगा टॉप सॉइल में यहाँ पे, तो ये एसिडिक सॉइल होगी जस्ट लाइक एसिडिक लावा। फिर SMB नेगेटिव है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर बारिश से ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मॉइस्चर प्रेजेंट इन डीपर लेयर्स कम्स अप टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन,
और वो नीचे से ऊपर क्या ले आएगा जब पानी मूव करेगा, तो सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट ले आएगा, जिसको कि सैलिनेशन कहते हैं। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो सैलिन सॉइल हो जाएगी, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्सीफाइड सॉइल हो जाएगी। तो SMB नेगेटिव होता है डेजर्ट में, SMB पॉजिटिव ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एरिया, टेम्परेट एरिया, पोलर रीजन्स। वेजिटेशन कैसे सॉइल को अफेक्ट करती है, वेजिटेशन डिक्रीज़ करती है रेट ऑफ इरोजन, तो सॉइल का मैच्योरेशन बढ़ता है, यानी वहाँ पे मिट्टी रहेगी। स्लोप, हायर स्लोप रीजन्स हैव यंगर सॉइल्स, एग्जांपल हिमालयाज, जहाँ पे लेसर स्लोप हैं वहाँ पे मैच्योर सॉइल होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल। टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है इरोजन और डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से टाइम के साथ सॉइल मैच्योर होती है। ज्योग्राफी इज इक्वल टू स्पेस, ओनली व्हेन देयर इज स्पेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कम्स। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, ड्यू टू जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड ICAR हैज़ डिवाइडेड इंडियन सॉइल्स इंटू 8 टाइप्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ AISSC। आइकर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। AISSC क्या है, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। तो ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इंडियन सॉइल्स को 8 टाइप में डिवाइड किया है। कौन सी है वो 8 टाइप, ARB DL MSP, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। ये 4 मेन सॉइल को एक्सप्लेन किया, इसके अलावा 4 सॉइल को खुद से देखो। कौन सी 8 सॉइल, ARB DL MSP, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन में फॉरेस्ट वाली सॉइल, सेलिन सॉइल, PT मार्शी तराई सॉइल। इनमें से 4 इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो जो एलुवियल सॉइल है ये 45% एरिया में मिलती है, ठीक है, एग्जाम्पल नॉर्दर्न प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। और इसको यूज़ किया जाता है फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटन और शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए। जो ब्लैक सॉइल है उसको ओल्ड या फिर रेगुर सॉइल बोलते हैं, ये 12% एरिया में मिलती है, GMT 3 जगह, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और ब्लैक कॉटन सॉइल पर कॉटन उगा सकते हो आप, काली दिखती है, प्लस कॉटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉटन इस पर उगता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल। रेड सॉइल 16% एरिया में मिलती है, 4 जगह, MK MC, मेघालय, कर्नाटका, MP और छोटा नागपुर। कैन नॉट डू एग्रीकल्चर विदाउट फर्टिलाइजर ऑन रेड सॉइल, तो यहाँ पे ग्राउंडनट राइस और शुगर केन उगाया जाएगा। लैटराइट सॉइल ये भी 16% एरिया में मिलेगी, ये उन रीजन्स में मिलेगी जहाँ पर हाई रेनफॉल है, पता नहीं 16% है या नहीं, लेकिन लैटराइट सॉइल वहाँ पे मिलती है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल RTCS उगाया जाता है, रबर, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस। एग्जाम्पल वेस्टर्न कोस्ट पे KKG, कर्नाटका, केरला और गोवा, प्लस नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर लैटराइट सॉइल मिलेगी आपको 4 जगह, केरला, कर्नाटका, गोवा के वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लैटराइट सॉइल मिलेगी। फिर सॉइल के यूजेस क्या हैं, प्लांटेशन और एग्रीकल्चर। प्लांटेशन मतलब क्रॉप के में डीपर रूट्स होंगे, एग्रीकल्चर यानी क्रॉप में स्मॉलर रूट्स होंगे। तो क्योंकि प्लांटेशन में डीपर रूट्स हैं, तो इवन इफ टॉप लेयर डज नॉट हैव मिनरल्स, दे कैन टेक इट फ्रॉम डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल प्लांटेशन में। एग्रीकल्चर में दे कैन टेक मॉइस्चर फ्रॉम टॉप लेयर्स ओनली, दैट इज लेयर A&E ओनली।